कान फिल्म फेस्टिवल की धूम हर जगह देखी जा रही है, तो वहीं कान फिल्म फेस्टिवल 2019 में छोटे पर्दे के स्टार हिना खान ने डेब्यू किया था। वहीं ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुकी प्रियंका चोपड़ा ने भी इस फिल्म समारोह में पहली बार शिरकत की, मगर हिना के लिए कान्स का यह अनुभव प्रियंका चोपड़ा की वजह से बेहद ज्यादा खास बन गया, जिसकी वजह से बेहद ज्यादा इमोशनल भी हुई हिना खान। हिना इस बात से गदगद हैं और साथ ही भावुक होकर भी उन्होंने प्रियंका ने इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होते हुए किस तरह से उन्हें सम्मान दिया और उन्हें दूसरे सेलिब्रिटी के सामने एक स्टार के तौर पर पेश किया, इस बारे में बात की। तो वहीं प्रियंका कान फिल्म समारोह में अपने बेटर हाफ निक जोनस के साथ शामिल हुई थी। हिना ने निक की तारीफ भी अपने नोट में की है। अब बता दें कि हिना की नोट के मुताबिक उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका उन्हें खुद निमंत्रित करेंगी, और तो और हिना ने खुद को जाने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन वो तभी तक भारी थी जब तक प्रियंका से नहीं मिली थी। प्रियंका के अपनेपन से प्रभावित हिना खान बताती हैं कि प्रियंका ने एक पल के लिए भी उनका हाथ नहीं छोड़ा, उन्हें ऐसे लोगों से मिलवाया जिनसे मुलाकात करना हिना के लिए संभव भी नहीं था, उनका परिचय भारत की स्टार के तौर पर कराया। आपको बता दें कि नोट में हिना ने अपने टेलीविजन करियर पर फक्र करते हुए लिखा है कि टीवी को लेकर दकियानूसी सोच को वो हमेशा से खत्म करना चाहती थी। वो दुनिया को बताना चाहती थी कि टीवी एक्टर्स के पास सब कुछ है, टैलेंट, ग्लैमर, ब्यूटी, एलिगेंस और साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म भी। हिना ने कहा कि वो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लेती रहेंगी, इसके लिए उन्हें चाहे कितनी भी आलोचना क्यों ना सहनी पड़े। प्रियंका के लिए हिना ने लिखा, तुम चलती फिरती प्रेरणा हो, अगर आत्मविश्वास, गरिमा और महानता जैसे गुणों को मानवीय रूप दिया जाए तो सिर्फ तुम बन सकती हो प्रियंका चोपड़ा। मैं खुद को जिस तरह बनाने का सपना देखती हूँ तुम बिल्कुल वही हो। ये असली प्रियंका चोपड़ा है जो दूसरों को आगे बढ़ाने और ऊपर उठने में मदद करती है, हिना ने निक को स्वीट हार्ट बताया। वहीं प्रियंका ने भी तारीफें की हैं हिना की और उन्हें थैंक यू कहा है, एक पोस्ट भी शेयर किया है और साथ ही उस पोस्ट में प्रियंका चोपड़ा ने हिना को जहां थैंक यू तो कहा ही तो वहीं प्राउड भी फील किया हिना के ऊपर। नेक्स्ट टाइम न्यूज रूम से अजय रिपोर्ट।